आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और आज एक नए टॉपिक के साथ आया गया है अर्थात जिसका नाम समांतर श्रेणी हाई स्कूल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली माना जाता है। तो आज आप लोगों को समझाया जाएगा समांतर श्रेणी। और थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तब भी समांतर श्रेणी आ जाएगा। और समांतर श्रेणी हाई स्कूल का एक ऐसा प्रश्नावली है कि इसकी सहायता से आप इंटर में भी श्रेणियां पढ़ सकते हैं और आगे कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप यहीं पर ध्यान दे देंगे तो आगे चलकर थोड़ा सा आसानी होगा, अगर यहां पर लापरवाही कर देंगे तो आगे चल के बहुत परेशानी होगा। फिलहाल अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, परेशानी को दूर करना है तो सवाल को समझना है, और परेशानी को बढ़ाना है तो यहाँ मस्ती करना है भाई, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, खुद ही समझदार है। फिलहाल चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इसमें आपको दिया गया पहला पद आपको दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला पद आपको दिया गया दो, दूसरा पद आपको देख रहे हैं बाबू ज्ञात करना है जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया पदों के बारे में, और तीसरा पद आपको दे दिया गया है बाबू 26। तो हमें सर्वांतर अर्थात डी का मान नहीं पता है, तो पहले आप तीसरे पद से किसका मान निकालेंगे, सर्वांतर डी का मान, अर्थात फार्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू होता है डी। तो यहाँ पर एन का मान दिया गया, तीसरा पद आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है तो तीसरे पद पर आपको ज्ञात करना है, अर्थात ए एन का मान दे दिया गया कितना 26 दिया गया है, तो तीसरा पद ज्ञात करना। इस कंडीशन में ए के स्थान पे ए का मान दिया गया तो ए माने प्रथम पद प्लस एन के स्थान पे तीन माइनस कितना वन, तीन क्यों लिखा गया क्योंकि तीसरा पद दिया गया है, और बराबर आप इंटू डी इक्वल टू दिया गया कितना आपको 26 दिया गया है, तीसरा पद तो 26 दिया गया है बाबू। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, दो प्लस तीन में से एक घटाएंगे आ जाएगा दो डी, बराबर कितना दिया गया। अब देखिएगा इधर पोजिशन प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा दो डी बराबर 26 माइनस दो, तो आपको मिलेगा बाबू दो डी बराबर 26 में से तो घटाएंगे आ जाएगा 24, दो इधर गुणा कर रहा नीचे जाएगा भाग करेगा, या डायरेक्ट भाग कर सकते हैं 12 दूना 24। इस अवस्था में सर्वांतर अर्थात डी का मान आ गया आपका 12, डी का मान आ गया 12। अब आपको ज्ञात करना है पद कौन था, दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है तो सूत्र आप जानते हैं ए प्लस एन के स्थान पे दो माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, ए के स्थान पे ए का मान कितना है दो है, प्लस दो में से एक घटाएंगे आएगा एक, अर्थात केवल डी बचेगा, तो दो प्लस डी का मान कितना निकला है 12। इस कंडीशन में आपको दूसरा पद हो जाएगा 14, अतः श्रेणी इस क्रम में क्या होगा बाबू, आता श्रेणी हो जाएंगे आपका प्रथम पद है दो, दूसरा पद निकाले आप 14, और तीसरा पद आपको दिया गया 26, आगे का पद आपका डॉट 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 रहेगा, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उसी का दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रथम पद ज्ञात करना है दूसरा दिया गया है, और तीसरा पद ज्ञात करना है चौथा दिया गया है, तो जो पद दिए गए हैं पहले उसको आप हल कीजिए। दिया गया दूसरा पद यानी श्रेणी का चौथा पद आपको दिया गया दूसरा पद, तो ध्यान दीजिएगा आपको बताया गया बाबू श्रेणी का दूसरा पद बराबर ए प्लस दुई माइनस एक इंटू डी। इस कंडीशन में आपको दूसरा पद तो दे दिया गया है, श्रेणी का दूसरा पद 13 है, तो 13 बराबर आपको मिल जाएगा ए प्लस दो में से एक घटाएंगे एक, एक में डी से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा डी, इक्वेशन मान लिया गया फर्स्ट, अर्थात ए प्लस डी बराबर आपको मिल गया 13।
अब दिया गया चौथा, तो श्रेणी का चौथा पद ए प्लस चार माइनस एक इंटू हो जाएगा डी, और चौथा पद आपको ऑलरेडी दिया गया है तीन, तो तीन बराबर आपको मिल जाएगा ए प्लस, यहाँ चार में से एक कटाएंगे तीन आएगा, तीन में डी से गुणा करेंगे हो जाएगा थ्री डी। इक्वेशन मान लिया गया बाबू सेकंड। अब देखिए ए प्लस थ्री डी बराबर तीन और ए प्लस डी बराबर मिल गया तेरह, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो एकदम नॉर्मल हो गया बाबू समीकरण नंबर एक और दो से। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण एक व दो से, समीकरण नंबर एक क्या है ए प्लस डी बराबर दिया गया तेरह, और दो क्या है बाबू ए प्लस थ्री डी बराबर आपको दिया गया है तीन। यहाँ लिख दीजिए चिन्ह समान है तो घटाने पर, और जब घटाएंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ अर्थात ए माइनस ए भी माइनस और ए भी माइनस, तो यहाँ प्लस ए और माइनस ए हो गया कैंसिल। एक डी में से थ्री डी घटाएंगे तो आ जाएगा बाबू माइनस टू डी। अब इस कंडीशन में तेरह में से तीन घटाएंगे तो आ जाएगा केवल दस, और दो एक नंदुई दुई पचे दस, इस कंडीशन में डी की वैल्यू प्राप्त हुआ माइनस पांच। यही डी का मान समीकरण नंबर एक में चाहे दो में रखने पर चाहे जहां रख सकते हैं। तो बताया गया बाबू डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण नंबर एक आपको बताया गया ए प्लस डी बराबर है तेरह, और ए प्लस डी के स्थान पर हो गया माइनस पांच बराबर तेरह, तो ए प्लस माइनस का चिन्ह हो गया माइनस पांच बराबर आपको दिया गया तेरह, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, अर्थात ए का मान तेरह प्लस पांच, ए का मान आ जाएगा अठारह। कहने का मतलब प्रथम पद पता हो गया, प्रथम पद निकल गया अठारह, सार्वांतर पता हो गया माइनस पांच, तो ज्ञात करना है तीसरा पद, तो एकदम आसाना है, आसान से निकाल सकते हैं बाबू। तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद बराबर ए प्लस तीन माइनस वन इंटू डी, इस कंडीशन में एक के स्थान पे अठारह प्लस तीन में से एक घटाएंगे दो आ जाएगा, और डी का मान माइनस पांच है, अठारह प्लस माइनस का चिन्ह माइनस दो पचे दस, इस कंडीशन में आ जाएगा आठ। तो कहने का मतलब अब श्रेणी क्रम दिया गया आपका, श्रेणी क्रम दिया गया है बाबू, प्रथम पद माने ब्रैकेट में रख लीजिए निकला है कितना अठारह, कामा द्वितीय पद आपको दिया गया है तेरह, कामा तृतीय पद आप निकाले हैं आठ, कामा डॉट 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई। चौथा पद भी आपको दिया गया तीन, उसके बाद अगर निकालना है तो डॉट 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 हो जाएगा।